कांग्रेस जिन वादों पर सत्ता में आई उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। साइला में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के साइला आगमन पर स्वागत समारोह व कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि राज्य में कांग्रेस जिन वादों पर सत्ता में आई उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। किसानों के कर्ज माफ नहीं किए, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, भ्रष्टाचार कर लूटने की छूट दे दी गई। अब तक रेस्तरां की तरह भ्रष्टाचार का भी रेड कार्ड बन गया है। राजस्थान में 7 लाख मुकदमे पहली बार दर्ज हुए हैं। ये बात प्रदेश अध्यक्ष पुनिया ने साइला स्थित राजाराम शिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। सांसद देवजी एम पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब व किसान को समर्पित सरकार है, जिसका उदाहरण है कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसानों को 1500 करोड़ की बीमा राशि प्रदान की गई। जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पुनिया के आगमन पर कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हुआ है। भाजपा कार्यकर्ता किसी भी विपदा में जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहता है। कार्यक्रम में आजीवन समर्पण निधि अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया के साइला आगमन पर भारतीय जनता पार्टी साइला जीवाना उम्मेदाबाद पोषाणा मंडल के मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा 21 किलो की फूलों की माला व कात्यायनी माता की तस्वीर से गर्मजोशी से स्वागत अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। वहीं समर्पण निधि सहित पार्टी का अच्छा कार्य करने वाले पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का प्रदेशाध्यक्ष के हाथों सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन जीवाणा भाजपा मंडल अध्यक्ष तुलसाराम चौधरी ने किया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने सभी लोगों एवं कार्यकर्ताओं का इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए अभिवादन किया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री भजनलाल, सोशल मीडिया प्रदेश संयोजक जोगेंद्र सिंह सिलोर, जिला संगठन प्रभारी महेंद्र बोहरा, भीनमाल विधायक पुराराम चौधरी, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, पूर्व राज्य मंत्री भूपेंद्र देवासी, भीनमाल नगर पालिका पूर्व चेयरमैन सांवलाराम देवासी प्रदेश अध्यक्ष के साथ रहे। इस दौरान साइला प्रधान ढोमी देवी राजपुरोहित, जिला महामंत्री पुखराज राजपुरोहित, जिला उपाध्यक्ष मेघराज लेटा, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा धूखाराम राजपुरोहित, हीराराम जाखड़, अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा महबूब खान, जिला अध्यक्ष एसटी मोर्चा रमेश राणा, साइला मंडल अध्यक्ष नैनमल लखारा, जीवाणा मंडल अध्यक्ष तुलसाराम चौधरी, पोषाणा उदय सिंह दादाल, उम्मेदाबाद गणपत सिंह राव, पूर्व प्रधान जबर सिंह तूरा, राम प्रकाश चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष केवदाराम चौधरी, पूर्व भाजपा महामंत्री सुरेश राजपुरोहित, सोशल मीडिया संयोजक भवानी सिंह देता, कालूराम राजपुरोहित, जबर सिंह चौराऊ, मोटाराम, मीरा देवासी, जिला मंत्री पवनी मेघवाल, महामंत्री हीना त्रिवेदी, खेतलावास सरपंच हाजाराम, जीवाणा सरपंच उत्तम सिंह, बावतरा सरपंच पारसमल राजपुरोहित, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष बलवत सिंह तूरा, जोगाराम चौधरी, किसान मोर्चा पद्माराम चौधरी, मांगीलाल फौलामुथा, गोकल राम गोदारा, राजेंद्र सिंह तालियाना, सुरेश वैष्णव, जीतू सोनी, हाजाराम देवासी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे।